हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा एंड आई एम पुष्पांजलि चालिहा। सो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि टुडे वी आर गोइंग टू रीड सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, लेसन नंबर 4 फ्रॉम क्लास 6 साइंस बुक। इसका फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस 4.1, वी हैव रीड दिस एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। सो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास की चीजें, हमें इस तरह से कई चीजें अपने आसपास अगर हम देखें तो मिल जाता है। एंड वी हैव डन सम एक्टिविटी आल्सो टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा कोई मटेरियल है जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जिससे कि जैसे कि वुड से चेयर, टेबल, प्लाव, बुल्लक कार्ट एंड इट्स व्हील्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। घर के दरवाजे, घर में बहुत कामों में आता है। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, लेदर से, इसी तरह से एक मटेरियल से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इसी को हमने पढ़ा था। टुडे वी विल रीड 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, खासियत उस एक कोई भी एक मटेरियल की जिसे कुछ बनाया जाता है उसकी खासियत। सबकी अपनी अपनी खासियत होती है, सभी मटेरियल्स को हम लोग हमारे लिए खास है। तो चलिए इसको देख, सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है टम्बलर जो है, ग्लास जो है, कपड़े की क्यों नहीं बनती है? कपड़ा भी तो एक मटेरियल है। Why? Because कपड़े में पानी नहीं रुक सकता है। Cloth cannot hold water on it. Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3. And also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. ज्यादातर जैसा भी tumbler हो, हम लोग liquid रखने के लिए ही काम में लाते हैं, या फिर बड़ा हो या छोटा हो। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? हाँ, नहीं बन सकता, कारण मैंने बताया है। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. जो पानी को hold कर सके, वही tumbler में दाल, सब्जी, सब कुछ hold हो सकेगा। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. उसी तरह से खाना बनाने के लिए भी जो वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो भी कपड़े से नहीं बन सकते। यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, इस पिक्चर में दिखाया है इस लड़की ने एक क्लॉथ का टम्बलर बनाया, उसमें ग्लास के पानी को इसमें डाला, लेकिन क्या हो गया, पानी जो है वो निकल गई। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पोज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो हम किसी भी मटेरियल को किसी ऑब्जेक्ट के बनाने के लिए कब यूज करते हैं, पहले हम उस मटेरियल के प्रॉपर्टीज देखते हैं, और जो बनाएंगे सामान, जो ऑब्जेक्ट बनेगी उस मटेरियल से, उसका पर्पोज यानी कि किस काम में लाएंगे, यह देखना जरूरी है। सो What are all the properties of materials that would be important for their uses? Okay, कौन कौन से properties important है उस material के use करने के लिए, ये जानना भी जरूरी है। Some properties are discussed here. So today we will discuss properties of some material like appearance. पहले तो appearance यानी दिखने में कैसा है। Materials usually look different from each other. हर material जो होता है दिखने में अलग होता है एक दूसरे से। Wood looks very different from iron. जो wood होती है, जो कि हमें पेड़ से मिलती है काठ, वो iron से different होती है। Iron यानी कि लोहा। Iron appears different from copper or aluminium. आपने कॉपर और एल्यूमिनियम जरूर देखी होगी, तो आयरन जो होती है वो दिखने में भी अलग होती है कॉपर और एल्यूमिनियम से।
एल्यूमिनियम व्हाइट कलर की होगी, कॉपर गोल्डन कलर की होगी और आयरन जो है वो ब्लैक कलर की होगी, है ना। तो कलर में भी डिफरेंस है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, लेकिन उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज या सिमिलरिटीज हो भी सकती है जो कि वुड के साथ शायद ना हो। जैसे कि आयरन भी हार्ड होती है, कॉपर भी, एल्यूमिनियम भी। इसके अलावा आयरन को भी हम लोग पतला कर सकते हैं, कॉपर को भी, एल्यूमिनियम को भी, लेकिन आयरन को ज्यादा पतला नहीं कर सकते हैं पीट पीट के जब करनी पड़ती है। कॉपर, कॉपर भी और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा कॉपर को पतला कर सकते हैं। तो यही ऐसा कुछ और भी डिफरेंसेस उसके शाइनिंग में अलग अलग होगा, तो डिफरेंसेस बहुत मिल जाती है एक ही मटेरियल में। नाउ एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? तो पेपर जो है वो शाइन करता है क्या? नो, बट आजकल ग्लॉसी पेपर मिलते हैं जो कि शाइन करता है। कार्डबोर्ड, नो। वुड, नो। कॉपर वायर, यस, उसकी बहुत शाइन रहेगी। एल्यूमिनियम शीट, इसमें भी शाइन रहेगी, चॉक की शाइन नहीं रहेगी। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अब आपको जो भी सामान शाइनी दिख रही है इसमें से उसे अलग कर दीजिए, मींस क्लासिफिकेशन। हमने सेपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? क्लासिफिकेशन करनी पड़ रही है, मटेरियल्स को क्लासिफाई करनी पड़ रही है। कैसे? इसकी अपीयरेंस से। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. जब हम काटते हैं freshly किसी चीज को तो उसका shine ज्यादा दिखेगा। What do you notice? क्या notice करते हैं? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? जब कोई हो सकता है कि हमें shiny नहीं दिख रही थी, लेकिन जब cut हो जाती है वही चीज, तो क्या उसके कटिंग्स शाइनी लगते हैं? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अगर काटने के बाद शाइनी लगते हैं तो उसे भी शाइनी मटेरियल्स के साथ ही रख दीजिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? कट देम एनीवे एज यू कैन। और शाइन और लस्टर किसी दूसरे में भी अगर मिल रहे हैं उसको भी काटिए, जिसको आपने शाइनी मटेरियल्स में रखे थे उसको भी कट करके देखिए। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. काटने के अलावा ऐसे sandpaper आती है जो कि खुरदरा होता है, उससे आप shine करके आप aluminium की कोई बर्तन ले लीजिए, copper की कोई चीज ले लीजिए, copper की wire भी मिल जाती है, और इस तरह से सामान को लेके आप थोड़ा घिस के देखिए तो उसकी कितनी शाइन आती है। कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। इसमें दिखाया गया है एक कोई पाइप को काट के, क्या इसमें हमें लस्टर दिख रही है? लस्टर यानी कि शाइनिंग, लस्टर मटेरियल्स दैट आर शाइनी और देयर freshly cut surfaces are shiny are called lustrous materials and their shiny is called luster. Materials that have luster are usually metal. जिसमें luster होती है, जो shine करती है, वो usually metal होती है. Materials that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. Some metals often lost their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. कभी कुछ मेटल जो होते हैं अपनी शाइनिंग खो देती है, क्योंकि अगर हम लोग अपने कान के बाली की तरफ ध्यान दें जो कि एक मेटल ही है गोल्ड, तो हम लोग अगर हमेशा पहनते रहते हैं कभी उसका शाइन भी कम हो जाता है, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा के ब्रश से साफ करें तो उसमें देखिएगा कि शाइन बहुत ज्यादा आने लगती है। तो यही बात है कि मेटल में भी
हवा और पानी के एक्शन से लश्चर जो है कम होने लगती है. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. इसीलिए हमें freshly cut surface में ही luster दिखती है. इसके मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में जो भी metallic कंगन कड़ा या ring वगैरह है उसे आप काट के देंगे, नहीं. आप उसको ब्रश से थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर अगर धो के देखें तो भी आपको बहुत लश्चर उसमें दिखेगा. When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. आप जाइए किसी भी वर्कशॉप में और वहां लोहार के जो दुकान होती है, आयरन स्मिथ कहा जाता है, कटे हुए लोहे को, फ्रेशली कट लोहे को देखिए, क्या उसमें शाइन होती है. जरूर होती होगी, शाइन लोहे में भी होती है. हार्डनेस, हमने अपीयरेंस तो पढ़ ली है, अभी आ गया एक दूसरा प्रॉपर्टीज, वो है हार्डनेस. मीन्स कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट होगा कोई भी सामान, उसके बेसिस में भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, हम लोग उसको सॉर्टिंग आउट करेंगे. When you press different materials with your hands, हम जिस चीज की भी अभी तक लश्चर देख चुके हैं, उसकी अपीयरेंस देख सकते चुके हैं, उसको हम लोग प्रेस करके देखेंगे हाथ से कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है. सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. कुछ तो हार्ड होंगे कंप्रेस करने के लिए यानी कि दबाने के लिए, और कुछ होंगे क्या बहुत ही इजीली कंप्रेस हो जाते होंगे. जैसे कि हम लोग अगर प्लास्टिक का कोई टॉय दबा के देखें, फिर एक पेपर दबा के देखें, पेपर रोल दबा के देखें, और स्पंज स्पंज हम दबा के देखें, तो क्या होगा, स्पंज बहुत इजीली कंप्रेस हो जाएगा, प्लास्टिक की टॉय तो इतनी इजीली कंप्रेस नहीं होगी. तो सबकी हार्डनेस भी अलग अलग होगी. टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट. तो मेटल की बनी हुई चाबी लीजिए और उसको स्क्रैच करना स्टार्ट कीजिए. द सर्फेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, चाहे तो आपके कोई वुड का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें की को घिसिए. एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, जो भी सामान मिलता है उसको आप थोड़ा सा घिस के देखिए. यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल, उसमें से किसी किसी में आप लोग स्क्रैच आराम से लगा लेंगे. वाइल Some cannot be scratched so easily. लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे जिसमें स्क्रैच नहीं लगेगी. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. जो कि जिसमें स्क्रैच आ जाए आसानी से और हाथ में हम लोग दबा भी सके आसानी से, तो वो सॉफ्ट मटेरियल. जो जिसमें स्क्रैच नहीं आता है और दबा भी नहीं पाते हैं, वो हार्ड मटेरियल होगी. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट व्हाइल आयरन इज हार्ड. कॉटन या स्पॉन्ज अगर मिलता है तो वो सॉफ्ट है और आयरन लोहा हार्ड होगा. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लश्चर, हार्डनेस. अभी तक हमें दो प्रॉपर्टीज मिल गई है, एक तो लश्चरस और दूसरा हार्डनेस. बी रफ और स्मूथ. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल. हार्डनेस से मतलब एक और है, एक तो हम लोग ऊपर का जो मटेरियल देख के ही बता सकते हैं ये रफ है या स्मूथ है, ये भी हम आसानी से बता सकते हैं. अब आप बताइए कि ऐसा कोई और प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में आता है जिससे कि हम एक मटेरियल को डिफ्रेंशिएट कर सके. Yes, there is one more property, soluble or insoluble. Soluble यानी कि जो घुल जाए पानी में, insoluble यानी कि जो पानी में नहीं घुल सकता है. तो इसके बेसिस में भी हम लोग materials को वो कर सकते हैं, क्या properties materials को classify कर सकते हैं. Activity 4, to know the material is soluble or insoluble. Collect samples of some solid substances such as sugar, chalk powder, salt, sand and sawdust. Take 5 glasses or so. Solubility and insolubility, ये भी एक properties हो सकती है. Take 5 glasses or beakers. ऐसे beakers ले लीजिए glass या फिर glasses ले लीजिए
एंड फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वॉटर, उसको थोड़ा सा पानी से भर लीजिए, 2/3 ऐसे इस तरह से ये पानी से भर लीजिए. एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, एक पहला जो ग्लास है उसमें थोड़ा सा चीनी डालिए, सॉल्ट टू द सेकंड, एंड सिमिलरली एड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस. एक में शुगर, दूसरे में सॉल्ट, तीसरे में चॉक पाउडर, फिर विनेगर, कुछ भी डाल सकते हैं. स्टायर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, और उसको स्टर कीजिए यानी कि थोड़ा सा शेक कीजिए. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा टाइम रुकिए. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, तो पानी में मिला हुआ सामान को आप क्या होता है वो देखिए, तो आपको क्या दिखेगा. नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3, और आपको जो भी ऑब्जर्व होता है दिखता है वो आप इस टेबल में लिखेंगे. व्हाट डिसअपीयर्स व्हाट डजंट, आपको दिखेगा कि जब हम लोग उसमें नमक डालते हैं तो डिसअपीयर्स, फिर चीनी डालेंगे तो डिसअपीयर्स यानी कि हमें पानी में फिर नहीं दिखेगी, नीचे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा. लेकिन चॉक पाउडर डालते हैं तो इट डजंट डिसअपीयर बिकॉज चॉक पाउडर इज इनसॉल्युबल, तो हमें क्या होगा कि नीचे चॉक पाउडर पड़े हुए दिखेंगे. इस तरह से आपके पास और जो भी सामान है उसको पानी के साथ मिक्स करके देखिए. ये भी एक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि देयर इज अ टेबल गिवन मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट. So disappears in water, does not disappear. Salt will disappear completely in water. Sugar will disappear completely in water. Sand will not disappear. Okay, sand is insoluble and we will able to see sand in the bottom of the tumbler. Chalk powder, same. Chalk powder is insoluble. We will able to see the leftover chalk powders in the bottom of the tumbler. Sawdust is also not soluble in water. You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in it. We say that these substances are soluble in water. जब कोई एकदम पूरा dissolve हो जाता है, mix up हो जाती है पानी के साथ, तो वो सामान soluble in water हो जाती है. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. कुछ सामान हम लोग बहुत देर तक भी अगर चम्मच से घोलते रहे फिर भी डिसअपीयर नहीं होती है. एक टाइम में ऐसा लगता है कि हो गई है, लेकिन जब भी घोलना रोक दे तो वो फिर नीचे आके हमें दिख जाएगा. दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ ली है, एक तो अपियरेंस, दिखने में कैसा है, शाइन करती है या नहीं करती है. दूसरा तो हार्डनेस, मीन्स वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है. और तीसरा है सॉल्युबिलिटी, यानी कि पानी में सॉल्युबल होती है या नहीं होती है. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वॉटर, क्या सारे लिक्विड्स वॉटर में डिजोल्व हो जाते हैं? नहीं. आपको जरूर पता होगा कि ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल और अदर लिक्विड्स कुछ ऐसे होते हैं, मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत है जो कि डिसॉल्व नहीं होती है. सो नाउ वी विल डू सम एक्टिविटी टू नो कि लिक्विड्स डिसॉल्व होती है या नहीं वाटर में. एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड. टेक ए ग्लास टम्बलर, फिर से आप एक टम्बलर लीजिए. फिल इट अप टू हाफ विथ वॉटर, पानी आधा भर लीजिए. एड फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. और आपने सोचिए कि विनेगर है आपके पास, तो एक चम्मच विनेगर लेकर पानी में डालिए. लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ऑब्जर्व whether the लिक्विड mixes with water. और उसके बाद आप देखिए कि क्या वॉटर के साथ मिक्सअप हो रहा है. रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू. Write your observations in table 4.4. तो इसी तरह से different liquids आप लीजिए और उसको पानी के साथ mix-up कीजिए. और आप जैसे कि table 4.4 में हमें दिखाया गया है, इस तरह का table बनाकर
आप लोग उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस लिखिए, लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, ये जो कॉमनली हमारे घर में मिल जाते हैं जैसे कि विनेगर, विनेगर मिक्सेस वेल, आपको दिखेगा कि विनेगर जो है वो मिक्स हो जाती है, लेमन जूस, लेमन जूस भी मिक्स हो जाती है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होगी वो फ्लोट करेगी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होगी वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, केरोसिन भी मिक्स नहीं होगी वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। इसके अलावा आपके पास घर में और क्या है, जैसे कि हम लोग कपड़े में डालते हैं व्हाइटनर के लिए कुछ ड्रॉप्स नील वगैरह के, तो उस और जो आजकल मिल जाता है उजाला, उसको भी डाल के देख सकते हैं, हाँ मिक्सअप हो जाएगी लेकिन कलर जो है पानी का चेंज होता है सब में, विनेगर में भी कलर चेंज होगा, लेमन जूस में भी कलर चेंज होगा, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या हम लोग इसको अलग अलग दिखता है या मिक्सअप हो जाती है। ओके, इन इन द फर्स्ट टम्बलर, टम्बलर ए, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर वाइल, सम अदर्स डू नॉट। देखिए हमने इसमें तेल डाला तो ये तेल ऊपर ही रह गई। नाउ वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स विथ वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। तो हम जब थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो आपको दिखेगा कि डिसॉल्व नहीं हुई होगी। अब बूचो क्या कहती है, बूचो सजेस्ट दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड और अदर देन वाटर। जो भी हमने लिक्विड्स को मिक्सअप किए थे तो आप एक और काम कर सकते हैं, विनेगर को लेमन जूस के साथ मिक्स करके देखिए, विनेगर को मस्टर्ड ऑयल के साथ, विनेगर को कोकोनट ऑयल के साथ, इस तरह से दो लिक्विड्स को, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को अदर देन वाटर आप लोग मिक्स करके देखिए। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। सो अभी पहेली को जानना है कि क्या गैसेस भी डिसॉल्व होते हैं पानी में, आपको क्या लगता है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू गिव मी द आंसर। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। Water usually has small quantities of some gases dissolve in it. कुछ gases जो होती है वो पानी dissolve हो जाती है और कुछ जो होती है वो dissolve नहीं होती है। तो हमारे पास ऐसे भी example है कि पानी में ही कुछ gases already present भी होती है। For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. Oxygen gas जो है पानी में already dissolved हुई होती है, तो हो रखी होती है, और वो जो है animals के लिए जो भी पानी में रहने वाला है उसके लिए बहुत ही important part role play करती है। Now we will see objects may float or sink in water. This is also a property. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. Insoluble जो भी solids होते हैं वो separate हो जाते हैं पानी से. You may have also noticed with this with some liquids in activity 5. तो जिस तरह से कुछ तेल का भी हमने देखा कि लिक्विड एंड लिक्विड होने से भी वो लेकिन डिजॉल्व नहीं हो रही थी. चॉक पाउडर जो है सॉलिड होती है फिर भी पानी में डिजॉल्व नहीं हो रही थी. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. कुछ जो है float हो जाती है पानी के surface में, ऊपर आ जाती है. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? जो और कुछ होते हैं जैसे chalk powder, sand, वो जो है sawdust पानी के नीचे bottom में चली जाती है. We notice many examples of objects that float in water or sink. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो कि कुछ तो फ्लोट हो जाते हैं पानी में और कुछ तो सिंक हो जाते हैं. फ्लोट होने का मतलब होता है ऊपर आ जाती है जैसे कि ये, और सिंक यानी कि नीचे चले जाती है बॉटम में. ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पोंड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पोंड. ड्राइड लीव्स जो होती है पानी में गिरती है तो क्या होता है कि वे फ्लोट करती है, लेकिन अगर आप एक स्टोन पानी में डाले, उसी पॉन्ड में डाले, तो क्या होगा, वो नीचे सिंक हो जाएगी. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज. अगर आप
पानी में कुछ बूंदे हनी के डालें, हनी यानी कि मधु, तो आपको क्या कैसा दिखेगा? बुचर वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दस दोज दैट सिंक इन वाटर. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दी सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल. जितने भी हमने मटेरियल्स को देखे हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे मटेरियल सिंक और अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल, तो उनको एक दूसरे के साथ फिर मिक्स करने के लिए कहा गया है ताकि आपको पता चले क्या वो जो सिंक कर रही है पानी में किसी दूसरे में फ्लोट करे. जैसे कि अगर रूट का एक टुकड़ा हो, काट का एक टुकड़ा आप लीजिए, उसको पानी में डालिए, तो क्या होगा कि वो सिंक करेगी, वो ऊपर आ जाएगी. तो इसी तरह से आप लोग दूसरे दूसरे आइटम्स को, ऐसे आइस क्यूब्स, आइस क्यूब भी पानी में सिंक करती है, आइस क्यूब जो हल्का होता है पानी से. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमें और भी मिलेंगे. जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिसॉल्व हनी इन वाटर, आपके सबके घर में हनी अवेलेबल है, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट नाउ. यू डू वन थिंग, यू डू द एक्सपेरिमेंट एट होम एंड आप इसको क्लास को पढ़ते हुए आप एक्सपेरिमेंट कीजिए. एक पानी लीजिए, आधा ग्लास पानी लीजिए, उसमें आप हनी ड्रॉप्स डालिए और उसको स्टर कीजिए और देखिए कि दैट विल डिसॉल्व और नॉट. अगेन उसी हनी को पानी के साथ क्या होता है, उसके साथ तेल में डाल के देखिए, कोकोनट ऑयल या फिर आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, उसके ऊपर भी डाल के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. अदरवाइज आई विल मेक वन कम्युनिटी पोस्ट एंड यू गिव द आंसर, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग भी एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं. तो नाउ वी विल डू ट्रांसपेरेंसी, वी विल रीड ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टू शॉर्टिंग आउट. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने छुपन छुपाई कभी तो खेली होगी. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, आप कुछ ऐसे जगह का बारे में सोचिए कि अगर आप छुपते हैं तो आपको दूसरा कोई ढूंढ नहीं पाएंगे. वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आपने कभी ग्लास शीशे के खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होती है और जो ढूंढ रहा होगा उसे आसान से दिख जाएगा. एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, तो इस तरह से क्या आप अगर दरवाजे के पीछे छुपे तो भी क्या उसे देखेंगे आप? नो, क्योंकि दरवाजा अगर प्लास्टिक की, फाइबर की, वुडन होगी तो वो उससे उसके दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, सो नहीं दिख पाएगा. दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, तो आपको इसकी डिफरेंसेस पता चला. आप लुका छुपी अगर खेलते हैं तभी आपको पता चल जाएगा, जहां आप छुप सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, जहां आप नहीं छुप सकते हैं आपको लगता है कि वो ढूंढ पाएगा कोई आपको, वो ट्रांसपेरेंट होगी. ग्लास, वॉटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. क्यों रखती होगी इस तरह से बॉटल में जो कि ट्रांसपेरेंट हो, हमें अंदर की चीजें दिखती रहे, तभी जो खरीदने वाले हैं वे भी देखकर सामान को खरीद सकते हैं. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. और कुछ तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे हम लोग देख नहीं पाते हैं, जैसे कि इसमें दिख रहा है ये लड़का जो भी देख रहा है उसे वो दिख नहीं रहा होगा, इसमें थोड़ा सा रोशनी दिख रहा होगा और इसमें उसे आर पार अच्छे से नजर आ रही होगी. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, जिससे ये वाला हो गया ओपेक, जिससे हमें आर पार बिल्कुल नहीं दिखती है. यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक वुडन बॉक्स के अंदर क्या है हम बिल्कुल नहीं बता सकते. ए कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर, एक मेटल कंटेनर के अंदर भी क्या होगा ये भी हम नहीं बता सकते.
वुड कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो वुड हो गए, कार्डबोर्ड हो गए या मेटल्स हो गए, तो वो ओपेक होते हैं, उसके आर पार हमें नहीं दिख सकती है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। क्या आपको लगता है कि हम लोग ग्रुपिंग करने में ये वाला प्रॉपर्टी भी हमें हेल्पफुल होगी, ओपेक और ट्रांसपेरेंट में अगर हम लोग ग्रुपिंग करें तो क्या दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस? फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू डू वन एक्टिविटी एंड देन ओनली वी विल एबल टू नो। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेंड बल्ब। एक पेपर लीजिए और जली हुई लाइट की तरफ देखिए उसके थ्रू। Make a note of your observation. Now put 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. अगर आपने नोटबुक की ही अपने कॉपी की ही पेपर से लाइट को देखना चाहा था तो शायद आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा। अब उसी पेपर में 2-3 बूंद तेल का डालिए, कोई भी तेल का, और अभी आप लाइट को देखिए। Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. तो oil को जहां spread किया गया था paper के जिस area में oil को spread किया गया था उस area से अभी फिर आप light को देखिए। Do you find that the bulb is more clearly visible than before? क्या आपको लगता है कि तेल को डाले बिना जब देख रहे थे उससे ज्यादा अच्छे से अभी दिख रहा होगा तेल को डालने के बाद? But can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. हाँ, हमें उस पेपर से अच्छे से नहीं दिख रहा था, तेल डालने के बाद थोड़ा सा रोशनी दिखने लगेगा, लेकिन हम लोग आर पार जिस तरह से शीशे से देख सकते हैं उस तरह से हमें नहीं दिखेगी। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. तो हमें ऑब्जेक्ट दिख तो रही है, बल्ब है ये हमें पता तो चल रहा है, लेकिन बल्ब अच्छे से नहीं दिख रही है, उसकी रोशनी सिर्फ दिख रही है, तो वो ट्रांसलूसेंट माना जाएगा, ना ओपेक ना ट्रांसपेरेंट। इसके बीच में एक और वर्ड आ जाएगी, ट्रांसलूसेंट। लर्न करना बहुत जरूरी है, आप लोग इन वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट कीजिए, विथ वर्ड मीनिंग आप लोग उस नोटबुक में लिखिए। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर When we tested food items for presence of fats, हमने lesson number 2 में fat के presence के लिए जब हमने paper में मूंगफली को थोड़ा crush करके उसको paper में रखे थे तो भी हमें ऐसा oily patch हमें दिखा था और उससे हमें पता चला था कि उसमें fat present है, that was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? तो paper जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल में आती है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो हम लोग 3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक तो ओपेक, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, जिसे अच्छे से ना दिखे लेकिन थोड़ा सा रोशनी आती हो। इस पिक्चर में देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक टॉर्च जली हुई है, एक हाथ से पकड़े हुए हैं, दूसरा हाथ ऊपर लगाया है, तो रोशनी जो है ऊपर तक हमें दिख रही है, मतलब कि क्या हमारा पाम भी हमारा ट्रांसलूसेंट है? यस ऑफ कोर्स, इस एग्जांपल से तो ऐसा ही लग रहा है। डस टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम? यस, हमें तो दिख रहा है पाम के ऊपर। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस, switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know with the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. आपको क्या लगता है, आपका palm जो है opaque है, transparent है और translucent है? We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. So appearance different होती है और सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। मेनली हमने मटेरियल्स में डिफरेंसेस क्या क्या पाई है, उसकी अपीयरेंस, कोई अगर शाइनिंग करता होगा कोई नहीं कर रहा होगा, कोई रफ होगा तो कोई सॉफ्ट होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी
कोई पानी में मिक्सअप हो रही है तो कोई नहीं हो रही है, और कोई जो है, और एक हमने देखा कि फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, कुछ मटेरियल्स फ्लोट होते हैं पानी में, कुछ मटेरियल्स सिंक होते हैं पानी में, सिंक यानी कि डूब जाते हैं, कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ऑपेक होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं. सो वी हैव सीन सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. तो हम लोग मटेरियल्स को उसके सिमिलैरिटीज, उसमें समानता और उसमें डिफरेंसेस, यानी कि उसकी डिफरेंसेस के हिसाब से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं. Why do we need to group materials? तो हमें एक बात तो समझ लेना चाहिए कि हम इतना किस लिए पढ़ रहे हैं, इतना किस लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ग्रुपिंग किस लिए करनी है. In everyday life, we often group materials for our convenience. हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग किस लिए करते हैं? आप लोग जब एक रैक में अपने टेबल में बुक्स अलग से रखते हैं, टेक्स्ट बुक्स, देन गाइड बुक्स अलग से रखते हैं, नोटबुक्स अलग से रखते हैं, रफ कॉपीज अलग से रखते हैं, और फिर जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं वो अलग से रखते हैं, कॉमिक्स अलग से रखते हैं, ग्रामर डिक्शनरीज, इजंट इट? क्यों? बिकॉज इससे हमें कन्वीनियंट होती है, चीज को आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो हमें इसीलिए ग्रुपिंग करनी पड़ती है. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. है ना? Such an arrangement helps us to locate them easily. आसानी से हम लोग उसे खोज सकते हैं. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. इस तरह से ही आप लोग अगर कभी किसी दुकान में गए हैं तो शॉर्टिंग आउट किया हुआ आपको दिखेगा. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. अगर हम लोग ग्रुपिंग करके रखे तो हमें जो भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में और ऑब्जर्व करने में इजी होती है. We will study more about this in higher classes. अभी तो हमने अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देखी, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ग्रुपिंग में और भी डिफरेंसेस आएगी. आप इसलिए इस लेसन को अच्छे से पढ़ के अच्छे से जान लीजिए, बिकॉज अभी आप सिक्स क्लास में है, सेवन एट क्लासेस में इसकी इसकी डेफिनेशंस और डिफरेंट हो जाएगी और जानने लायक बात आ जाएगी और माइन्यूटली आपको जानना पड़ेगा इसमें ग्रुपिंग के प्रॉपर्टीज को, अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगे. सो आई थिंक कि इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ क्लास सिक्स में, क्लास सिक्स को पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लाइफ में इसको अप्लाई करने के लिए. आप तभी अच्छे से और सिस्टमैटिक हो सकते हैं जब आप शॉर्टिंग आउट करना सीखे. पढ़ाई में भी शॉर्टिंग आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप लोग ग्रामर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टाइम में डिवाइड करके टाइमली पढ़ाई उसका कर सकते हैं. मेंटेन टाइम मेंटेन करने के लिए शॉर्टिंग आउट पढ़ाई में भी बहुत जरूरी है. तो आगे आपको जितने आप बड़े होते जाएंगे इसके बारे में और एलाबोरेटली आपको जानना पड़ेगा. तो इस लेसन को बहुत अच्छे से जानने की बहुत जरूरत है. तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ जानने को मिले. और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं रीड करती हूँ लेसन, वैसे ही समरी नहीं बताती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सभी को रीडिंग करना आ जाए. कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मैं जितना हो सके आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगी. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरा चैनल भी आगे बढ़ पाएगा और आप लोगों से प्यार मिलता रहेगा तो मुझे भी मन करेगा कि मैं भी मेहनत करूं, मैं भी थोड़ा और अच्छे से वीडियोस बनाऊं. तो इसी के साथ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत हैप्पी रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए. थैंक यू.